अचानक पानी से मस्जिद आई बाहर। 3 दशकों से पानी में डूबी हुई थी मस्जिद। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के नवाड़ा ज़िले में 120 साल पुराना मस्जिद अचानक आई पानी से बाहर। लोगों का कहना है कि ये 150 साल से 300 साल के बीच की पुरानी मस्जिद हो सकती है। यह मस्जिद बिहार के नवाड़ा हल्दिया डैम में है। बिहार के नवाड़ा में दशकों से पानी में डूबी हुई एक मस्जिद मिली है। 80 के दशक में यहाँ पर हल्दिया डैम बनाया गया था, उस वक़्त इस जगह को खाली करा लिया गया था। ग्रामीणों का कहना है जब यह डैम नहीं था तो यहाँ पर इस मस्जिद के आसपास पूरे गांव बसा हुआ था। 30 साल पानी में रहने पर भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गांव वालों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर आबादी बसा हुआ था तो यहाँ पर 5 टाइम की नमाज और अजान भी पढ़ी जाती थी। यह हल्दिया डैम नवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रजौरी के पास है। ये डैम नवाड़ा के रजौरी प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फुलवारिया डैम के पास मस्जिद मिली है। इस डैम को हल्दिया डैम भी कहा जाता है। ये पहले से ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की जगह है। इस डैम को देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। ग्रामीण मस्जिद देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बुज़ुर्गों का माने तो ये मस्जिद 120 साल पुरानी है और कुछ लोगों का माने तो ये मस्जिद 300 साल तक पुरानी हो सकती है। प्रशासन को चाहिए कि इस मस्जिद की मरम्मत दोबारा से कराई जाए और इसको फिर से मस्जिद नुमा रूप दोबारा से दी जाए और यहाँ पर फिर से अजान और नमाज पढ़ाई जाए। पानी में डूबी मस्जिद देखने की खबर आग की तरह आसपास फैल गई है। लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर दोबारा से नमाज पढ़ी जानी चाहिए। यह एक तालाब नुमा और दलदली नुमा जगह है। यहाँ पर लोगों को पहुँचने के लिए बहुत सी मुशक्क़त करनी पड़ रही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप इस मस्जिद के आसपास रहते हो तो ख़ुद भी विज़िट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।